जो शादी विवाह में जो शूट होता है, इस कैमरा को आज हम बताएंगे कि कैसे चलाना है। ये इस तरह से बैटरी बाहर आ जाएगा, आपको यहाँ से शटर पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको 100 रखते हैं। देखिए 1x100 रखें, वीडियो का क्वालिटी बहुत ही सुंदर हो गया है। जिसको दबाएंगे तो इस तरह से जूम होगा और इसको दबाएंगे तो इस तरह से वाइट होगा। आप यहाँ से एक बार क्लिक कीजिएगा तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी जो है वही चीज़ दिख रहा है, इसे भी लगाइएगा तो वही चीज़ दिखेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश सजेशन में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वीडियोग्राफी के लिए जो कैमरा होता है MDH, देख सकते हैं ये जो कैमरा है Full HD कैमरा है, जो शादी विवाह में जो शूट होता है, इस कैमरा को आज हम बताएंगे कि कैसे चलाना है, बैटरी कैसे इसमें लगाना है, फ्लश कैसे लगाना है, सब कुछ इसमें ऑन करके रिकॉर्डिंग बटन कौन सा है, इसका LED कैसे निकालना है, ये सब हम आप लोग को दिखाएंगे। सेटिंग कैसे करना है, कलर साइज कैसे करना सेट करना है, फोकस कैसे करना है, वो सब हम आप लोग को दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो है इस तरह का देखिए ये कैमरा आता है, इसको ही जो है ऊपर में यहाँ पर ये हैंडल रहता है पकड़ने वाला, और इसका पीछे साइड जो है इसका बैटरी लगता है। इसका इस साइड देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस है, और इसका पीछे साइड जो है यहाँ पर ही जो है बैटरी लगता है। सबसे पहले हम इसका बैटरी जो है पीछे से निकाल देते हैं। तो बैटरी निकालने के लिए यहाँ से इस पर हम दबाएंगे, उस वाला जो है देखिए कुछ लिखा हुआ है, इस पर हम एक तरह से दबाएंगे और इस बैटरी को जो है ऊपर की ओर उठाएंगे। देखिए इसे इस तरह से दबाएं और बैटरी को ऊपर उठाएं, ये इस तरह से बैटरी बाहर आ जाएगा। लगाने के लिए सिंपली जो है इस पर हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे ऊपर में और हल्का सा नीचे की ओर दबा देंगे। देखो कट का आवाज़ आएगा और ये एक जो है लग जाएगा। चलिए कैमरा जो है कैमरा में बैटरी लग गया है, अब इसको हम ऑन करने के लिए बताते हैं। इसको ऑन करने के लिए देखिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑन जो है मिट गया है। इसको ऑन करने के लिए जो उजला सा डॉट दिख रहा है इसको इस तरह से दबाना है और इस तरह से दबा के इसको नीचे की ओर लाना है। इस तरह से दबा के इस तरह से नीचे कर दिए, देखिए यहाँ पर रेड लाइट जल गया है, ये कैमरा जो है अब ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद देखिए अब यहाँ से इसका LED जो है हम बाहर निकालेंगे, यहाँ LED रहता है, इसको आराम से सिंपली इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से मूव करेंगे, ये जो है LED निकल गया है। अभी जो है इसमें सही से नहीं आ रहा है फिगर, क्योंकि इसका जो है कलर सही से नहीं सेट किया हुआ है, इसका ISO जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखिए पूरा ओवर लाइट है। वहाँ बैलून का फोटो इसमें आ रहा है लेकिन बहुत ओवर लाइट आ रहा है। तो चलिए इसका भी हम सेटिंग आप लोग को करके दिखाते हैं। इससे पहले इधर का इंटरफेस जो है हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इधर। तो यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है और यहाँ पर तीन आइकन दिया हुआ है। तो सबसे नीचे जो है ये थंबनेल है, यानी कि वीडियो जो आप रिकॉर्ड किए हैं इसका जो है सिर्फ फ़ोटो दिखाएगा, और बीच वाला जो है कैमरा का आइकन दिया हुआ है यानी कि ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए है, और सबसे ऊपर में जो है वीडियो का आइकन दिया हुआ है यानी कि ये वीडियो शूट करेगा। तो हम जो है सबसे ऊपर में ही रखेंगे इसको। उसके बगल में भी तीन तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे ऊपर में AI यानी ऑटो मोड है, उसके बाद मैनुअल मोड है, और यहाँ ये फोकस के लिए दिया हुआ है। तो हम जो है इसको बीच में रखेंगे मैनुअल मोड में। अब मैनुअल मोड में चलिए हम इसका सेटिंग करके दिखाते हैं, सही से इसको एडजस्ट करके दिखाते हैं। तब स्क्रीन पर आ जाइए, इसका स्क्रीन जो है टच सिस्टम रहता है, तब यहाँ से टच करके भी इसको सही से कर सकते हैं। तो सबसे देखिए यहाँ पर जो है ये शटर स्पीड दिखा रहा है, तो शटर स्पीड को सबसे पहले सेट करते हैं। यहाँ एक बार कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये चार तरह का ऑप्शन खुलेगा, तो सबसे पहले हम इसका शटर जो है सही सेट करते हैं। तो शटर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिए शटर को कम से कम 1x100 रखना है। तो आपको यहाँ से शटर पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको 100 रखते हैं। देखिए 1x100 रखें, वीडियो का क्वालिटी बहुत ही सुंदर हो गया है, जो ओवर लाइट था वो जो है ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम यहाँ से आयरिस को भी हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं अपनी लाइट के हिसाब से। अगर आयरिस बढ़ाएंगे इस तरह से देखिए लाइट बढ़ेगा, आयरिस घटाएंगे तो इस तरह से घटेगा। अगर यहाँ से हम आयरिस पर ला के इस तरह से छोड़ देते हैं तो ये अभी आयरिस पर ये काम कर रहा है, यानी कि नीचे यहाँ देखिएगा एक स्क्रोल बार है ये वाला, ये अब जो है आयरिस का काम करेगा, यानी कि हम इस तरह से इधर करेंगे तो ये आयरिस जो है कम होगा, इस तरह से करेंगे तो ये आयरिस बढ़ेगा। अगर इसी तरह से हम यहाँ से शटर पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद इस शटर पर क्लिक करके छोड़ दिए हैं, अब ये जो है शटर का काम करेगा, यानी कि हम इस तरह से करेंगे तो ये शटर घटेगा और इस तरह से करेंगे तो ये शटर देखिए बढ़ता है। तो इसलिए हम यहाँ जो है आयरिस पर रखेंगे ताकि हम जो है कभी कभी इसको
इस तरह से ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। देख सकते हैं ब्राइटनेस बढ़ गया, इस इधर हम मूव करेंगे इसको तो ये ब्राइटनेस कम हो गया। आप यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से वाइट बैलेंस है तो इसमें आपको वाइट बैलेंस मिलाना होगा। इसमें बहुत 3-4 सेटिंग है, आपको जो भी सेटिंग अच्छा लगे उस तरह से वाइट बैलेंस मिला सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है ये मैनुअल वाइट बैलेंस मिलाने के लिए है, आप इस पर क्लिक करके किसी वाइट एरिया की जगह पर आप यहाँ पर जाके इस तरह से सेट कर सकते हैं, तो ये वाइट बैलेंस जो है मिल जाएगा। चलिए अब बताते हैं इसमें कि जूम कैसे करना है और रिकॉर्डिंग का बटन कहाँ है। देखिए रिकॉर्डिंग का बटन जो है यहीं पर, यहाँ जो हैंडल आप पकड़ते हैं इस तरह से, हाथ से इस तरह से हैंडल से पकड़ते हैं, इस तरह से हैंडल जो पकड़ते हैं तो इसी के सामने यहाँ रेड जो बटन दिख रहा है ये वाला, ये रिकॉर्डिंग का बटन है। इसको जब एक बार इस तरह से दबाइएगा तो देखिए ये इस तरह से रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। और उसके लिए यहाँ पर देखिए रेड लाइट जल रहा है और यहाँ पर सेकेंड भी चल रहा है। दोबारा स्टॉप करने के लिए फिर इसी बटन को दबाएंगे, ये जो है स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन सा हो गया है और ये स्टॉप हो गया और टाइम जो भी है और टाइम भी यहाँ से बंद हो गया है। यही रेड के नीचे जो है यहाँ पर देखिए एक स्विच दिया हुआ है, यहाँ से टी और यहाँ से डब्लू लिखा हुआ है। ये टी का जो बटन है इस पर दबाइएगा तो ये जो है देखिए धीरे धीरे जूम हो रहा है। टी बटन दबाइएगा तो ये धीरे धीरे जूम हो रहा है। आई डब्लू वाला जब बटन दबाइएगा तो देखिए ये धीरे धीरे वाइड हो रहा है। और यही रिकॉर्डिंग का जो बटन है एक नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ पर एक बटन जो है यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से एक बार क्लिक कीजिएगा तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा इस पर दबिएगा तो ये बंद होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ आगे तो देखिएगा ये जो है यहाँ पर जो है ये बटन दिया हुआ है, ई वी टैली और वाइट टी डब्ल्यू लिखा हुआ है। टी मतलब इस तरह से जूम होगा, जिसको दबाएंगे तो इस तरह से जूम होगा और इसको दबाएंगे तो इस तरह से वाइट होगा। ये जो बटन है ये अगर आप हाथ इसके अंदर इस तरह से ये पकड़ने के लिए है, आप यहाँ से अंगूठा से रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसी अंगूठा से आप यहाँ से जूम और जूम आउट कर सकते हैं। देखिए ये एलईडी के अलावा ये जो है एलईडी को बंद करके आप यहाँ से इस तरह से आँख में भी लगा के देख सकते हैं। इसमें भी जब आँख लगाइएगा तो ये जो है इसमें भी आपका वही एलईडी दिखाएगा जो उसमें एलईडी में दिख रहा था, वही चीज़ इसमें भी आपको दिखेगा। देख सकते हैं इसमें भी जो है वही चीज़ दिख रहा है, इसमें भी लगाइएगा तो वही चीज़ दिखेगा। आप यहाँ आँख लगा के देख सकते हैं या तो फिर यहाँ इसे एलईडी से देख सकते हैं। मेमोरी कार्ड लगाने के लिए इस साइड जगह दिया हुआ है, आप यहाँ से बीच वाला जो है यहाँ इस तरह से खोलिएगा तो यहाँ पर दो मेमोरी कार्ड लगाने का सॉकेट दिया हुआ है, आप यहाँ से दो मेमोरी कार्ड को लगा सकते हैं। बाकी ये आउटपुट के लिए डिवाइस है, यूएसबी पोर्ट के लिए है, यहाँ से HDMI के लिए है, सब ये सब अलग यूज के लिए है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा।